खुद के लिए ये वाला सपना देखा भी नहीं था कि नेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी से, एक नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिलेगा, वो भी इस देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में से एक, डिसरप्टर ऑफ द ईयर। पहले तो बहुत ज़्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ये। मेरा फ़ोन बज करते गया, ये होते गया, बहुत सारे मैसेजेस, ट्विटर पागल हो रहा था, इंस्टा से नोटिफिकेशंस आ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि जब ऐसे इतने बड़े मोमेंट्स होते हैं ना आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं रहता कि इसके आउटकम्स क्या होंगे। मैं बस इस वजह से खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश है, उन्होंने डे वन से जर्नी देखी है। जब मैं मेरे पीछे के कबर्ड पर एक चादर लगाकर रिकॉर्ड करता था वीडियोस फॉर अ बैकग्राउंड, तो वो वाले फेज से लेकर यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अपस्किलिंग करी है। मैं बस एक थैंक यू कहना चाहूँगा, हमारी इंटेंशन हमेशा ये ही रही है कि आपको वैल्यू मिले हमारे कंटेंट के थ्रू, एंड शायद इस दिन के पीछे यही वजह है कि ये अवार्ड हमारी पूरी ऑडियंस, मेरी पूरी टीम को मिला है ये वैल्यू आउटपुट के लिए। मैं आप लोगों को अक्सर थैंक यू नहीं कहता क्योंकि हम उस प्रोसेस में जमे रहते हैं कि हाई क्वालिटी पॉडकास्ट आपके लिए प्रोड्यूस करने हैं, तो दिल से थैंक यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग सवाल पूछे मुझे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सोच रहे हो, मोदी जी कैसे थे इन पर्सन, स्टेज पर कैसा लगा, कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और नेशनल अवार्ड जीतने हैं मुझे, पर जो पहला नेशनल अवार्ड जीता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। शायद ये वीडियो मैं खुद के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए छोटा सा रिएक्शनरी वीडियो करेंगे और आपको थोड़े से बिहाइंड द सीन्स के बातों के बारे में बताऊंगा। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। यहाँ कैप्चर नहीं हो रही है मेरी रिएक्शन, पर स्टेज पे चलते हुए मैंने एक सेलिब्रेशन करी। कुछ भी अगर ग्रो करना है ना लाइफ में, हार्डवर्क और फोकस की बहुत ज़रूरत लगती है, और मेरे आइडल हमेशा अर्जुन रहे महाभारत के, जिनका लाइफ का मोटो फोकस था। तो इट वॉज अ इंस्पायर्ड बाय अर्जुन, महायोद्धा अर्जुन सेलिब्रेशन। The Ranveer Show. मैं झुका हमारे पीएम के सामने क्योंकि हमारे देश के पीएम है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट करें, हर पॉलिटिशियन की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, ये सच है, जो आपको शायद बिहाइंड द सीन्स दिखता नहीं या शायद महसूस हो जाता है पॉडकास्ट के थ्रू। पर ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवर्ल्डली दिमाग की ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उनके आसपास, बहुत इंटेंस एनर्जी है। मैं एक पूरा एसे लिख सकता हूँ इस पूरे इवेंट के बारे में कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये हमारे कंटेंट इंडस्ट्री के जर्नी में, क्योंकि नेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है। पर अभी शॉर्ट में रिएक्शन वीडियो देखेंगे, प्ले। बधाई हो, आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। कट सीन में भावेश भाई को दिखाया गया, उन्होंने एक्चुअली जस्ट इवेंट की शुरुआत से पहले मुझे ये दिया था जो मैंने अब तक पहना, ये एक काल भैरव रक्षा थ्रेड है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो मेरी लाइफ की मेमोरी है इसमें भावेश भाई को बीच में दिखाया गया, एंड इस पूरे वीडियो में बहुत ज़्यादा मीनिंग है। ऐसे मोमेंट्स ना आप खुद नहीं बनाते अपने लाइफ में, प्लान नहीं कर सकते कि ऐसे मोमेंट्स होंगे। अंकित बैयनपुरिया, राम राम भाई सारिया ने, जिनने बाद में खुद का अवार्ड जीता मेरे बाद, उनसे बाहर जाकर मैंने बात करी और पूछा उनसे कि क्या महसूस हो रहा है। हम दोनों ने बस एक दूसरे को देख के ये कहा कि यार प्लान नहीं कर सकते ये सब, ये बहुत बहुत हैवी मोमेंट है किसी इंसान की ज़िंदगी में। नेशनल अवार्ड आप लिटरली सिर्फ मेहनत कर सकते हो,
सिर्फ पॉजिटिव रह सकते हो, सिर्फ ये होप कर सकते हो कि एक दिन भगवान आपकी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करेगा। ये दिल की ख्वाहिश भी नहीं थी, ये उनसे भी बड़ी थी, इसलिए बस हर दिन की मेहनत पर फोकस करना चाहिए। ये सब थॉट्स चल रहे थे इस मोमेंट में। प्ले आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। यही फील हो रहा था कि सर के साथ एक पॉडकास्ट ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि जब आप किसी इंसान के इतने ज़्यादा पास पहुंच जाते हो ना फिज़िकली, तो एक एनर्जी होती है दो इंसानों के बीच। मैं यही सोच रहा था कि अगर इनसे बातें हमने करी TRS पर एक पॉडकास्ट में, तो कैसी हाई लेवल की साइकोलॉजी निकलेगी, यही मैं सोच रहा था। मेरे अंदर का कॉन्टेंट क्रिएटर जग गया, इसलिए मैंने ये पूछा। गो ऑन। ऑल द बेस्ट। तो बस यही है बिहाइंड द सीन्स रिएक्शन। एक बात उनसे कहनी थी जो मैं नहीं कह पाया, और वो ये है कि मेरा और मेरी पूरी टीम का ड्राइविंग फोर्स हमेशा भारत रहा, हमारी ग्रोथ रही है। कहते हैं ना कि भारत एक ज़माने सोने की चिड़िया होती थी, मैं मानता हूँ कि अगले 20 या 25 सालों में फिर से भारत एक सोने की चिड़िया बनेगी। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, और वैल्यू एड्स की ज़रूरत है। यानी कि कंटेंट के थ्रू लोगों को वैल्यू मिलना चाहिए, और कंज्यूमर्स को, व्यूअर्स को कंटेंट में वैल्यू ढूंढना चाहिए। नॉलेजेबल, एंटरटेनिंग येट अप स्किलिंग ओरिएंटेड कंटेंट सीक आउट करना चाहिए, यही रही है हमारी इंटेंशन। बस एक लास्ट मैसेज है मेरी तरफ से कि ये जो मीडियम है ना पॉडकास्टिंग, ये बहुत पावरफुल मीडियम है। आई वुड एनकरेज यू कि स्टार्ट करो पॉडकास्टिंग। दुनिया भर में इस मीडियम की बहुत ग्रोथ हो रही है, कॉन्वर्सेशन से नॉलेज भी बढ़ती है, पर्सपेक्टिव भी मिलता है, हीलिंग भी मिलती है, और ये एक बहुत हाई वैल्यू टाइप का कंटेंट होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आपके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया, डिस्काउंटेड कोर्स है, प्लीज़ गो चेक इट आउट, उसे नीचे लिंक किया है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। दिल से बनाया है वो कोर्स, दिल से बनाते हैं हम सारे वीडियोस। आई होप कि आप बियर बाइसेप्स को, TRS को, रणवीर अलाहाबादिया को फॉलो करते रहें। बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है। थैंक यू दिल से। इस जर्नी की सिर्फ शुरुआत हुई है। मैं मानता हूँ कि सिर्फ 10% ऑफ द स्टोरी इज़ ओवर, सिर्फ 10% कहानी ख़त्म हो चुकी है। बहुत कुछ करना है, बहुत सारे लोगों से बात करना है, और मोदी जी के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। बूम शाकालाका।